नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट की बात में। सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध, प्रॉफिट की बात YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आए कैथल करेंगे लोगों से बात, रणदीप सुरजेवाला जी जो यहाँ से हारे हैं, क्या कारण रहा उनकी हार का। देखी जाए कैथल जो ज़िला है वो बाद में बना था, जिन जिला पहले बना था कंपेयर किया जाए दोनों ज़िलों में तो कैथल में बहुत विकास हुआ है रणदीप सुरजेवाला जी के कार्यकाल में। लेकिन फिर भी क्या कारण हुआ कि सुरजेवाला जो यहाँ से हार गए, उसके बारे में थोड़ी समीक्षा करेंगे यहाँ लोगों से। तो चलिए करते हैं बात। भाई साहब राम राम। राम राम जी। राम राम। ठीक ठाक? बढ़िया जी, बढ़िया। कैथल से रणदीप सुरजेवाला जी हार गए जी। हाँ जी। क्या कारण लगता है आपको? लेकिन कारण तो जो भी हो, लेकिन गलत करा कैथल की पब्लिक ने, जो भी काम किया है। ऐसे मंत्री हराने के नहीं होते, ऐसे मंत्री तो जो इतने विकास करे कैथल में, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने करवाया, आज तक किसी ने करवाया नहीं, ना आगे वाले आने वाली पीढ़ी में हो सकते, करवा सकते कोई नहीं, कोई करवा सकते। कोई भी विधायक आ लिया, हमारे पुल पे लाइटें लगी हुई थी जो कांग्रेस के राज में लगी हुई थी, जो अब बीजेपी की सरकार में वो भी उतार दी गई है, ठीक करवाने की। कहा ये लाइटें बिल्कुल ही उतार दी है। अच्छा, ये इससे उससे दूसरा काम कौन सा होएगा जो अब तक लाइटें लगी नहीं है, ना कोई लाइट का व्यवस्था है, ना सफाई की व्यवस्था है, ना कहीं जो काम रुके हैं वहीं रुक गए हैं, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला स्टार्ट करवा गए थे वो रुक भी गए हैं, ना बीजेपी सरकार ने कोई काम करवाए हैं। सुरजेवाला जी कार्यकाल में कैथल में काम बहुत हुए जी। हाँ हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी हार गए। हाँ। एक मेन कारण आपको लगता है क्या कारण रहा होगा? ये कैथल की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। जी जी। अगर साथ देते तो वो अच्छी वोटों से। तो कारण रहा होगा कि भाई क्यों आ रहे? बस बीजेपी की लहर थी। अच्छा, इस वजह से। कोई खास मेन कारण नहीं है? मेन कारण तो नहीं है, इन जैसा मंत्री कोई आने वाली पीढ़ी में ना तो आ सकता और ना इन जैसा कोई काम करवा सकता और ना होंगे, आगे भी नहीं काम होंगे। दुखी हो इसको? इसको दुखी है, दुखी। जीतना चाहिए थे सुरजेवाला जी? बिल्कुल श्योर जीतने चाहिए थे। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। थैंक यू। भाजी राम राम। राम राम जी। भाजी ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया जी। जी रणदीप सुरजेवाला जी यहाँ से हार के कैथल से। ठीक है जी। उनके कार्यकाल में मेरे को लगता है काम बहुत हुए हैं यहाँ पर। अच्छा जी। क्योंकि जींद का कंपैरिजन किया जाए, जींद और कैथल का, ठीक है जी, तो कैथल में क्या कहना कि जींद से थोड़ा सा आगे है। हाँ जी। आपको क्या कारण लगता है जी सुरजेवाला जी यहाँ से हारे? कारण एक तो पुराने हो गए थे जी। अच्छा जी। कुछ लोग कफा थे, कुछ पार्टी की वो थी। अच्छा जी। अच्छा, तो इस बार मेन कारण यदि आपको पूछा जाए क्या रहेगा उनकी हार का? उसके बारे में तो कुछ का कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते। कोई नहीं निकल ना, एक लहर लगता है आपको? हाँ, कुछ भी था जी, वो लोग 15 साल हो गए थे, 15 साल हो गए थे। जी 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 जी। लोग बदलाव चाहते थे, बदलाव के चक्कर में जो है। हाँ, कुछ वो था, बीजेपी की लहर है ऊपर, बीजेपी मेन कारण नहीं रहा। ना ना, वो ठीक है, सब कुछ ठीक था, बाकी बिल्कुल बढ़िया था। ठीक है भाजी, धन्यवाद। भाई साहब राम राम। राम राम। ठीक ठाक है? हाँ जी ठीक। कैथल से रणदीप सुरजेवाला जी हार गए जी। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? ये मैं कुछ तो जींद का बारे में हुई है जी, जो जींद चले गए थे। हाँ जी। चुनाव लड़ने के लिए उसमें उसमें फर्क पड़ा जी। उसमें ज्यादा फर्क पड़ा है? हाँ, उसमें फर्क पड़ा है। कैथल बहुत विकास करे थे सुरजेवाला जी। अच्छा, कैथल वाले का चक्कर ये पड़ गया जी, भाई कदे जींद ना बग जाए। अच्छा जी। अच्छा, मैं जींद कदे उरा बन जाए, जींद बग जाए, फिर इसे किसे राजा ना नुन्ने गिरा नुन्ने गिरा। अच्छा, उपचुनाव हुआ था वो वहाँ गए थे, उससे रोष में है जनता? वहाँ उसमें खफा है थोड़ी जींद में। हाँ, जींद में जाने में फर्क पड़ गया, टूट गई वोट। क्यों टूटी? क्यों भाई, ये कदे जींद ना इलेक्शन को लड़ रहे। काम तो बहुत करवाया सुरजेवाला जी ने कैथल में, चमकार रखा था जी शहर। अगर कंपेरिजन करी जाए जींद और कैथल में तो कैथल तो बहुत आगे था जींद, फिर भी हार गए ऐसे जी। यार रंगा चक्कर तो ही होया जी, कदे और कथल ना आगे जींद बग जाइयो। अच्छा अच्छा, मेन कारण यही है बस? यही कारण होया जी, और कोई मेन कारण नहीं लगता आपको? और कौन लगता। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ, और काम बहुत करके जी सर। ठीक है जी, ठीक है। विकास में कोई कमी रखी जी, लाइटा बहुत ला रखी थी, रोड बहुत करके थे, पार्किंग बहुत करके थी, वैसे दम था जी। हारने नहीं चाहिए थे, बस हार गए। इसमें बस हारने नहीं थे, इस चीज का दुख सपना जी। हार गए, दुख ही सपना जी, इस बात का। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी। राम जी ठीक ठाक है? बिल्कुल सही जी। यहाँ कैथल से सुरजेवाला जी हार गए? हाँ जी, बिल्कुल हार गए। हालांकि उनके कार्यकाल में मेरे ख्याल से कैथल में काम तो बहुत हुए थे। काम तो हुए थे जी, मतलब जो राष्ट्रवाद आला बात पकड़ी है, जो 370 का विरोध कर उसने, सबसे बड़ी बात इस कारण आ रही है जी वो। अच्छा जी। हाँ, और मतलब काम करे उसने, लेकिन जो 370 विरोध कर गया, इसके कारण मेन कारण यही है उसके कारण। मेन कारण 370 का है? हाँ जी बिल्कुल। जींद जाके भी चुनाव लड़ा, इसका भी कुछ फर्क पड़ा? इसका भी पड़ा है जी। बहुरा जद निकवा बहुरा था, इस्तीफा दे दिया, मतलब जींद का मैं ले बन के रहूंगा। अच्छा, इस बात का भी पूरा पूरा रोष था जनता में इसको लेके। हाँ जी, रोष था इस बात को लेके भी। ये दो मेन कारण रहे उनके, दो मेन कारण रहे इसके हार गए। विकास तो मेरे ख्याल से बहुत करवाए हैं, कुल मिलाकर विकास पहला करवाए जी। अच्छा, बस ये कारणों की वजह से, इन कारणों की वजह से। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद।
भाई साहब राम राम। राम राम जी। और जी ठीक ठाक है? ठीक है जी, बढ़िया। यहाँ से सुरजेवाड़ा जी हार के जी? हाँ जी, हार के तो जी। बहुत करवाया सुरजेवाड़ा, बहुत कराया जी, बहुत दुख महसूस हो रहा हमने तो भाई। अच्छा जी, दुख है? हाँ जी, बहुत दुख है। फिर भी कोई कारण लगता हो आपने? कारण ये है जी, नहीं जनता ने साथ दिया, क्या कर सका। पीछे काम तो बहुत, कंपेरिजन किया जाए जींद का और कैथल का तो बहुत काम कराया जी। जींद में तो के करण गया था, धक्के खान गया था जींद में तो, कैथल में तो नू था भाई, काम करा रखे, नया रूप दे रखे कैथल का उसने। रोश में है जनता, जींद गया तो उसने भी ले गया। जींद तो भाई कुछ रोस में भी था, बट कुछ नुआ बीजेपी का जोर भी था भाई, लोगों का जवान पे फूल हो रहा था, देखांगे फूल वाले के करेंगे। अच्छा, कि मैं है उम्मीद कराऊंगे काम ही। पीछे 5 साल में तो कुछ नहीं कराया, मंदा की लहरा भाई, नुए बैठे हैं 5-4 साल की बीजेपी सरकार में। उम्मीद भाई मानना तो उम्मीद नहीं भाई, कोई उम्मीद नहीं ना। ठीक है भाई साहब, कांग्रेस में बढ़िया था भाई, अच्छा पैसा आ रहा था, सारे काम हो रहे थे। जो सुरजेवाले ने वैसे जो यहाँ लट्टू लुट्टू लगवा रखे फ्यूज और यहाँ आज तक लगे कौन दोबारा। अच्छा जी, अच्छा है जी, मैं उम्मीद है जब पिछले 5 साल ना मैंने कुछ होया के होगा। तो यहाँ का बंदा बन गया, पहले तो अपोजिट पार्टी, ये बंदा पहला भी तो बना था, पहला कौन सा उरा ने खुंटे काट दिए थे। अभी कोई उम्मीद नहीं भाई, हमने तो उम्मीद नहीं। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद भाजी। राम राम। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? ठीक ठाक जी। सुरजेवाला जी कैथल से हार गए जी इस बार? हाँ जी। क्या कारण लगता है जी आपको हारने का? आप देख रहे हो जी, जो इन्होंने आरक्षण के अंदर किया है वो आम सामने है, उसका रिजल्ट मिल गया जी। आरक्षण का? हाँ जी, फर्क पड़ा। आरक्षण का पूरा फर्क है। उन्होंने अपने कार्यकाल में काम तो मेरे ख्याल से बहुत करवाए हैं कैथल में। 5 साल पहले करवाए हैं जी, इस 5 सालों में कुछ नहीं किया जी। पीछे सरकार तो बीजेपी की थी, वो तो अपोजिट पार्टी में थे। तो अपोजिट पार्टी में थे, काम तो होते ही हैं जी। जी जी, काम तो करवाने कोई काम नहीं करवाया, काम नहीं कुछ भी करवाया जी। आज तो कैसे पड़े, कोई एक मेन कराने का बात की जाए उनके हारने का तो क्या रहेगा? आरक्षण, आरक्षण, जाट आरक्षण वाली बात, आरक्षण, जाट आरक्षण वाली, इसी कारण रहा कि वो इस बार हार गए। इस बार हार गए, हालांकि हार जीत का फर्क तो कम रहा, लेकिन उस चीज़ का फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है जी, जरूर पड़ा है जी। और लोग खिलाफ भी थे आरक्षण की वजह से, और कुछ नहीं था, सिर्फ आरक्षण की वजह से था। ठीक है भाजी, धन्यवाद। धन्यवाद भाजी। राम राम। हाँ जी ठीक ठाक है? हाँ जी। रणदीप सुरजेवाला जी यहाँ से हार गए जी इस बार, क्या कारण रहा जी इसका? हाँ जी, क्या कारण रहा? बस कुछ जाट आरक्षण तंग कर गया। अच्छा जी, हाँ। क्या रणदीप सुरजेवाला जी ने अपने कार्यकाल में काम नहीं करवाए थे क्या? काम बहुत करवाए, काम बहुत करवाए। कोई एक मेन कारण क्या लगता है आपको हारने का? है जी, कुछ तो उन्हें ड्यूटी नहीं थी, बैर वाडर रह गए थे दिल्ली। अच्छा, इस करके नाराज थे लोग। अच्छा जी, कुछ जींद चले गया। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जींद का भी फर्क पड़ा है उस चीज़ का, थोड़ा मेल मिलाप सा भी कम रहा उनका जनता से, पब्लिक डीलिंग कम थी इस कारण रहा। ठीक है जी, धन्यवाद भाजी। राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल, टनाटन। यहाँ से सुरजेवाला जी हार गए जी? हाँ हाँ बिल्कुल। वो ऐसा भाई साहब मैं बताता ना, अक्सर जो ना सरकार पब्लिक का ऐसा सिस्टम है जी। देखो पीछे अच्छे काम कराए हैं सुरजेवाला ने, हम ये नहीं कहते, शहर के लिए बहुत करे हैं जी, जी। लेकिन जो ना वो बदल देती है, पता नहीं क्या कारण है जी, जी। अब देखो मैं बताऊँ, जैसे एक सिस्टम होता है, अगर कोई आदमी रोज बर्फी खाए तो एक दिन वो बर्फी से उब जाता है। हाँ, तो यहाँ भी यही सिस्टम है। अच्छा, हम ये नहीं कहते सुरजेवाला ने अच्छा काम कराया था और शहर के लिए तरक्की भी करी थी। अब देखो, अब नीला राम जी है, देखो अपने शहर के लिए MLA हमारे, देखो क्या करेंगे। उम्मीद तो है अच्छी करेंगे और करेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि उनको अभी ये थोड़ा बहुत महसूस होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा भी हाल उन जैसा ही हो जाएगा। सुरजेवाला के कार्यकाल में काम तो बहुत हुए कैथल में, दिख रहा है ये तो देखो। हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो हार गए। कोई मेन कारण आपको लगता है उनके हारने का क्या रहा होगा? भाई मेन कारण मैं क्या बता सकता हूँ, देखो वे तो पब्लिक की माया है, लोगों को ये पता नहीं क्या सोच के उनको हरा दिया, जबकि हराने के योग्य थे तो नहीं। कोई ऐसा मेन कारण नहीं लगता आपको? ना, जी? ना, 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 कुछ नहीं लगता। मतलब आपके हिसाब से जितने चाहिए थे? हाँ बिल्कुल, जितने चाहिए थे, क्यों जितना कार काम करवाए हैं। ठीक है ठीक है, और तकरीबन जीतने के बिल्कुल मोड़ पे ही थे वो तो, कोई लंबी चौड़ा कोई अंतर तो था नहीं, अंतर तो बहुत कम था, लेकिन फिर भी एक बात की जाए, पहले काफी हजार वोटों से जीतते थे, इस बार वो अंतर कम हुआ, तो उसका तो कुछ कारण मेन रहा होगा ना सर, तो इसके बारे में कोई मेन कारण आपको लगता नहीं? नहीं नहीं ना, हमारे को मेन कारण कुछ लगता है, का रुझान बीजेपी की तरफ। असल में ऐसा है, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का ध्यान था, थोड़ा लहर सी बनी। हाँ लहर सी बन रही है, और नेतृत्व में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका बेनिफिट हो गया। चलो ठीक है भाजी, धन्यवाद। अच्छा जी भाजी, भाजी ठीक ठाक है? बिल्कुल जी। सुरजेवाला ने कैथल में काम तो बहुत करवाए थे जी, फिर भी वो हार गए, क्या कारण लगता है आपको? ऐसा जी, कारणों का कुछ नहीं पता चलता जी जी जी, के पब्लिक का रुझान बीजेपी की तरफ था इस बार। अच्छा जी, अच्छा। दूसरी बात एक और रही जी,
कि इसमें जाट आरक्षण आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ है, आप कुछ भी कहें, अल्टीमेटली एक बार तो लग रहा था कि जाट आरक्षण ने दूसरों को नुकसान किया है, अल्टीमेटली लॉन्ग रन में वो जाटों को ही नुकसानदायक हुआ है कि दूसरी जो जातियां थी, बहुत से एरिया ऐसे थे जो नॉन जाट थे, वहां से सुरजेवाड़ों को बहुत मोटी वोटें मिलती थी जो इस बार नहीं मिल पाई। जी जी जी। जैसे ITI वाला बूथ है, यहाँ से 6000 वोटों की लीड मिलती थी, सिर्फ 300-400 वोटों की लीड मिल पाई। इसी तरह चनाना गेट वाला एरिया था जो सैनी थे वो बहुत ज्यादा खिलाफ थे, तो वहां से हार हुई। तो ये जो चीज है, मतलब अल्टीमेटली जाट आरक्षण आंदोलन ने बहुत ज्यादा नुकसान फर्क डाला है चीज पे, इन्हीं को पहुंचाया है। वैसे उनके कार्यकाल में काम तो बहुत हुए जी, कैथल में काम तो हुए हैं, है, लेकिन उन चीजों को लोग भूल जाते हैं। अच्छा एक और है काम का, जहाँ तक सवाल है, मूलभूत सुविधाएं मिली है लेकिन क्या कैथल में कोई इंडस्ट्री आई? क्या लोगों को रोजगार मिले उनसे? मतलब मूलभूत सुविधाएं दी है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा चेंज चाहती थी जनता? नहीं नहीं, जनता चेंज नहीं चाह रही थी, चेंज वाली कोई बात नहीं है, कोई चेंज भी नहीं दिखाई दे रहा हमें। बीजेपी की सीटें भी पहले से कम आई हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जाट आरक्षण आंदोलन का इस बार असर रहा है। बिल्कुल ठीक है भाजी, धन्यवाद भाजी। राम राम। राम राम भाजी, ठीक ठाक? हाँ ठीक, बढ़िया भाई। यहाँ कैथल से सुरजेवाड़ा जी हार गए, क्या कारण लगता है आपको? और जब देखो पब्लिक का उस टाइम कुछ रुख था, आज कुछ रुख है। अच्छा जी, अच्छा। कोई मेन कारण आपको लगता हो, कोई आपकी नज़र मेन कारण? खिलाफ भी बोल रहा था राष्ट्रवाद के भी। अच्छा जी, अच्छा। और कोई जैसे जीन चले गए थे या कोई और कोई आ रखा? हाँ उसका भी फर्क है, फर्क पड़ा है। हाँ, फर्क पड़े। वैसे आपको लगता है अपने कार्यकाल में सुरजेवाला जी ने कैथल में काम करवाया? भाई साहब काम तो करवाया हुआ। अच्छा। काम इसका अगर कभी तो काम हुआ होगा। अच्छा जी, अच्छा। आज कहाँ पहुँच गया सुरजेवाला? जी 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 जी, यहीं से कमाई करी तो पहुँचा है। अपना भी काम किया और कैथल का? हाँ कैथल का भी काम किया, दोनों काम किए। अच्छा अच्छा, मेन कारण यही रहा होगा कि जैसे जीन गए उसका भी कुछ फर्क पड़ा है राष्ट्रवाद? खूब फर्क पड़े भाई साहब। जी जी, ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। राम राम। राम राम। और जी ठीक ठाक? बढ़िया। या कैथल से सुरजेवाड़ा जी हार गए जी, विकास करिए तो बहुत हुए कैथल में। हाँ जी। कंपैरिजन किया जाए जींद में जैसे सुरजेवाला जी पीछे गए थे और कैथल में, तो जींद जिला पहले बना था, कैथल बाद में बना था। हाँ। उसके बावजूद कैथल में विकास कार्य बहुत हुए हैं नेतृत्व में सुरजेवाड़ा जी, उसके बावजूद भी वो हार गए, क्या कारण लगता है आपको इसका? ये कारण रहेगा सर इसका, एक तो बीजेपी की लहर। जी जी। और एक कास्टिज्म। अच्छा जी, अच्छा। बस दो रीजन। और कोई मेन कारण आपको लगता हो? नहीं और तो मेरे को नहीं। अच्छा चलो, अब ये बीजेपी यहाँ से जीत गए, लीलाराम। हाँ, जीते हाँ। यहाँ से आपको लगता है उतने कार्य हो पाएंगे जितने सुरजेवाला जी के नेतृत्व में हुए थे? तो मुश्किल। मुश्किल है? मुश्किल, क्योंकि सुरजेवाला जी तो आप नाम से बहुत बड़ी हस्ती हैं और वो हार गए। बड़ा नेता वैसे। जी जी जी, बड़ा नेता। चलो मेन कारण आपको यही लगता है, जातिवाद और थोड़ा सा बीजेपी की लहर? जी जी, मोदी इस बार ये जींद भी, बीजेपी भी नहीं मोदी कह सकते, मोदी की लहर। हाँ। इस बार ये जींद गए थे, इसका भी कुछ फर्क पड़ा? हाँ, इसका पूरा फर्क पड़ा, इसको जानना चाहिए। जींद से उपचुनाव इन्होंने लड़ा था। हाँ, वहाँ जानना चाहिए, इसका भी फर्क पड़ा। हाँ बिल्कुल। लो जी ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। ओके सर। सब राम राम। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? बढ़िया। यहाँ कैथल से सुरजेवाला जी आ गए, क्या लगता है जी आपको, क्या कारण रहा होगा? बस कारण तो यही था जी, वो वहाँ जींद जाके इलेक्शन लड़ने लगे। अच्छा जी, इसलिए जनता अभी ये तो कहीं भी चला जाता है, शहर छोड़ के अपना। अच्छा, शहर तो मेन यही था ना उसका, यही काम किया उसने। जी जी। कैथल काम किया, सड़कें बनाई, रोड बनाए, बस स्टैंड बनाया। जी जी। इतना तो हरियाणा में किसी ने काम नहीं किया ना जितना सुरजेवाड़ा जी ने कैथल में कर। हाँ, कैथल में कराया जी। बस जो जीन जाके लड़े उसके रोष था, बस वो रोष था जी। हाँ जी, बस और कोई रोष नहीं। और कोई मेन कारण नहीं लगता आपको सुरजेवाड़ा जी की हार का? बस और थोड़ा बहुत विरोध करते हैं थोड़ा सा, जैसे 370 ढाई उसका विरोध किया वो करते हैं जी। चलो विपक्ष में पार्टी है वैसे तो जी जी, बाकी जी। वैसे नेता ठीक है। लगता है आपको उनके कार्यकाल में या कैथल में काम हुए हैं? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और सारे सारे चंडीगढ़ की याद आती है जी, लट्टें अरे सड़कें सब कुछ बढ़िया बन रहे हैं जी, और शहरों में काम रहे हैं। जी जी जी। तो कुछ एकाध एक कारण रहा जो जिसकी वजह से वो हार गए? बस थोड़ा सा यही रोष था, थोड़ा सा रोष था जनता में, बस और कोई बात। चुनाव लड़ा? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। और जी राम राम। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? बिल्कुल। सुरजेवाड़ा जी यहाँ कैथल से हार गए, क्या कारण लगता है जी आपको? कारण इसकी करतूतता से आ रहा है। क्या करतूत है मतलब? करतूत ये सड़क बनी है बाईपास। जी जी। इसमें हमारी जमीन है 1 किला। जी जी जी। जमीन हमारे को देने 9 लाख रुपए किले के हिसाब से। अच्छा जी। और वहाँ कहता है 50 लाख रुपए लो जमींदारों से। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। ये काम है जी इसका। और कोई मेन कारण? और क्या जी, ये नाला बिछ रहा है।
जी। ये बिछाया जी इसने बाईपास पे चंदाना रोड पे कि यहाँ तक ले आया। अच्छा, ये रोड टूट गया जी। अच्छा जी, जिम्मेदारें की उस फसल मारी जावे जी जी। फिर ये जाते हैं पब्लिक हेल्थ में जी जी। फिर वो ठीक करते हैं दो दो तीन दिन में जी जी। फिर भी ये गवर्नमेंट ने सीधा कर दिया ये। अच्छा जी, सीधा कर दिया ना जी। अभी इसकी मिट्टी ढक ली, उठा ली मिट्टी, मिट्टी दब गई नीचे चली गई। खड्डे से तो हो रहे हैं तो बनेगी तो सड़क तो ये काम तो बढ़िया होगा जी जी। अब सीधा कर दिया। हाँ, सीधा कर दिया। और कोई कारण लगता हो आपको सुरजेवाला जी की हार का? कारण सारे बांट दिए इसने कि जाटों की धर्मशाला करी, सैनिया की धर्मशाला करी, वाल्मीकि की धर्मशाला जी जी। सारे बांट दिए हर कोई धर्म स्थान नहीं है, कोई जातिवाद इसने ज्यादा फैला दिया। जनता में रोष था थोड़ा बिल्कुल। फिर अस्पताल शहर सेंटर था बीच में शहर, वो बना दिया सफेदा थी जी, उसमें क्या फायदा है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, बस तो थोड़ा सा कुल मिला के रोश में थी जनता। बिल्कुल ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। बिल्कुल बाबूजी, राम राम। राम राम बाबूजी, ठीक ठाक है। कैथल से रणदीप सुरजेवाला जी आ गए। हाँ जी, हालांकि उनके कार्यकाल में बहुत काम हुए मुझे लगता है कैथल में, क्योंकि ये कैथल ऐसा जिला है जो जींद के बाद बना था और कैथल में बहुत विकास कार्य हुए हैं। ऐसा क्या कारण रहा जी कि रणदीप सुरजेवाला जी यहाँ से आ गए, आपको क्या लगता है? राजनीति है जी, किधर राजनीति है जी। जी जी जी, हार जीत का तो कुछ नहीं पता लगता जी। नहीं कोई देखो, बहुत कार्यकाल में उन्होंने बहुत काम करवाया जी वैसे तो कैथल में। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा होगा मेन? ठीक है, काफ़ी टाइम प्लानिंग में रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, इसके बाद तो दुनिया बदलाव चाहती है जी। अच्छा जी, अच्छा, कोई ऐसा मेन कारण नहीं रहा? मेन कारण तो कोई नहीं है जी, बस बदलाव चाहती थी पब्लिक। बस बदलाव चाहती थी जी, थोड़ा सा देखना चाहते थे अगली बार कोई चेंज होगा ये भाई। जी जी, मतलब कोई मेन कारण नहीं लगता आपको? मेन कारण तो कोई लगता जी। चलो जी, ठीक है जी बाबूजी, धन्यवाद। ठीक है सर। तो ये देखा आपने कैथल की जनता का मिजाज, क्या कुछ कहना है जो सुरजेवाला जी कैथल से हारे। और अंत में आपसे अनुरोध, प्रॉफिट की बात, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।